do it on the ground, implement it on the ground, a lot of people will see, a lot of positive stories will come. That will encourage other municipal corporations, not only in the state of Delhi, but outside also, to come forward and adopt these kind of technologies. डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में तो डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ी कल्पना है। हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ब्रॉडबैंड की सुविधा देना, यहां तक कि पैंडेमिक के टाइम पे गांव गांव तक डिजिटल मोड से शिक्षा का आदान प्रदान करना, ये अपने आप में उपलब्धि है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से इस समय भी बहुत सारी स्टार्टअप्स भी यूनिकॉर्न्स बनी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। टेक्नोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति देश और दुनिया में लेकर आ रही है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जहां जहां किसी के जीवन में कुछ सुधार आ सके, बदलाव आ सके और लाभ मिल सके और तनाव मुक्त हो सके, वहां वहां टेक्नोलॉजी का उपयोग अवश्य होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो बिजली का समय कि कब आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन होगी, कब ऑफ होगी, उस पे भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। नहीं तो देश भर में देखा जाता है कि आप सुबह भी गर्मियों के दिन में तो सूरज जल्दी हो जाता है, तो सूर्योदय के समय भी 10-10 बजे तक भी कई बार तो गर्मियों के दिनों में तो एक तरह से बिल्कुल धूप चढ़ी होती, तब भी लाइटें जली होती हैं। तो वहां पे भी जब इंसान भूल जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं भूलेगी क्योंकि टाइमर सेट होगा। तो ऐसी बातों का उपयोग करके बहुत लाभ होता है। जैसे आपकी इस ऐप से पेपरलेस होगी, एप्लीकेशन का इस्तेमाल होगा, तो जितना कागज कम इस्तेमाल होगा उतना कूड़ा भी कम होगा और पेड़ भी कम कटेंगे। इस तरह से एक के बाद कई उदाहरण इसके साथ जोड़कर दिए जा सकते हैं। और आपने आजादी के 75वें वर्ष में किया है, इसलिए भी बधाई है कि आपने एक युवा होने के नाते इस दिशा में अपना कदम उठाया है। महानवमी के अवसर पर मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, और आपने आज का शुभ दिन चुना है इसको लॉन्च करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही कहूंगा कि भविष्य के लिए भी कुछ ऐसे एरियाज आपको ईयरमार्क करने चाहिए कि किन एरियाज में जो कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, जिनके जीवन में बदलाव आ सकता है, चाहे आपके स्कूल्स हो, शिक्षा के केंद्र हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, या पार्क। जैसे मैंने मुकेश जी का पहले देखा था कि वहां गंदगी का ढेर होता था, आपने उसको अच्छे पार्क के रूप में बदल दिया, प्लांटेशन कर दी, जिम लगा दी, लोगों ने वहां पे आना जाना शुरू किया। तो कोविड के टाइम पे सबने देखा कि स्वस्थ रहने का लाभ क्या है, और जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। आप ऐप बना लें लेकिन पब्लिसिटी ज्यादा ना हो तो तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करते हुए नजर आए। जिस तरीके से कोविड काल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ।